वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज एफ एम आई एफ सी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टॉक की बात की जाए तो 30.15 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। 2.30 पैसे की तेजी देखने को मिले आई एफ सी स्टॉक के अंदर में 8% और फिर स्टॉक आज के दिन में देख सकते थे कि लास्ट वीक में पिछले लास्ट वीक के 3 दिन लास्ट के जो थे वो कोविड के न्यूज की वजह से बहुत सारा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था आई एफ सी स्टॉक के अंदर और उसी की वजह से काफी गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे 35 लेवल से 30 के नीचे आ चुका था। प्रीवियस क्लोजिंग थी 27 28 लेवल के नीचे, पर आज जैसे ही ओपन हुआ स्टॉक ने एक रिकवरी देखने को मिली, 30 लेवल को ब्रेक किया है और रिसेंटली 30 लेवल के ऊपर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। 30 के ऊपर सेटल होता है तो इजिली फिर से बाउंस बैक हो सकता है, तकरीबन बाउंस बैक हो सकता है ऊपर के साइड में। मार्केट कैप 39,000 करोड़ की है, पी रेशियो 6 का है और डिविडेंड यील्ड 4% का। लास्ट 5 डेज की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे देख सकते कि पिछले 5 दिनों की बात देखी जाए तो यहाँ पे काफी गिरावट हो चुकी थी, पर आज यहाँ पे अब फिर स्टॉक फिर भी 8% डाउन है लास्ट 5 डेज में। तकरीबन काफी गिरावट देखने को मिली थी। वॉल्यूम की बात की जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 8 करोड़ 28 लाख का है, ट्रेडेड वैल्यू 24,665 लाख की है। बाइंग के लिए 83 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है तो सेलिंग के लिए 76 लाख क्वांटिटी पेंडिंग है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की बात की जाए तो क्वांटिटी जो ट्रेडेड है 7 करोड़ थे, उसमें से 2 करोड़ 24 लाख क्वांटिटी डिलीवरी के लिए जा चुके थे, कुल मिला के 31%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते स्टॉक में काफी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। रिसेंटली देखा जाए तो 30 लेवल जो थी वो मंथली पीक लेवल भी है, उस लेवल उसी का आज रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है। आज यहाँ पे खास करके यहाँ पे क्लोजिंग देता है स्टॉक और कल गैप अप से ऊपर ओपन होता है तो देख सकते कि फिर बाउंस बैक वो एक अच्छी तेजी बाइंग साइड में देखने को मिल सकती है।